चैनल का नाम है ओम नमः शिवाय। जो ये सवाल पूछ रहे हैं ये लगभग 1 लाख लोगों की समस्या है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की ये समस्या है। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, ये समस्या ऐसी समस्या है जिसमें समझ लीजिए अगर आपका फंस गया तो आपका समझ लो, अगर कंपनी हेल्प नहीं करेगी तो आपका पैसा गया। सवाल पूछते हैं कि सर मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ फिर भी डिटेल मिसमैच दिखा रहा है, 10 दिन हो गए हैं, मेरे फ्रेंड का भी यही दिक्कत है, दिखा रहा है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब पीएफ के अंदर एम्प्लॉय ऐड होता है तो 2014 से लेके 2019 या लगभग 20 तक भी यहाँ पे जब आप ऐड होते थे तो उस टाइम पे आधार कार्ड ऐड होना मैंडेटरी नहीं था। कंपनियां क्या करती थी, कंपनियां जैसे मर्जी डेट चढ़ा देती थी, जैसा मर्जी आपके नाम की स्पेलिंग चढ़ा देती थी। लेकिन 2022 में पीएफ ऑफिस ने एक चमत्कार किया। ये चमत्कार ऐसा था कि अगर अब आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा पहले से, या अगर आपका आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक है और आपने अपना आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ में कोई भी बदलाव किया तो आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। अगर ऑलरेडी एक्टिवेट है और आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा जादू पीएफ ऑफिस ने 2022 में मेंबर्स के साथ किया है और ऐसा जादू करने की वजह से आप लोगों को इस तरह की दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत का कोई टेम्प्रेरी दिक्कत नहीं है, ये आने वाले समय में ये हमेशा के लिए रह गया है अपडेट, क्योंकि अब पीएफ ऑफिस का ये मानना है कि जब तक आधार कार्ड लिंक नहीं है किसी व्यक्ति का, हम ये मानेंगे कि वो अकाउंट जो है और उस अकाउंट में पड़े हुए पैसे जो हैं वो फालतू के पैसे हैं, वो किसी मेहनत की कमाई नहीं है किसी की, इसलिए आप उस अपने ही पैसों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस तरह का आपका एरर आ रहा है जिसमें आप अपना एक्टिवेट कर रहे हैं, डिटेल मिसमैच आ रहा है या फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं और आपका डिटेल मिसमैच आ रहा है, तो आपको अपनी कंपनी में जाना होगा। कंपनी में जब जाएंगे तो अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में और पीएफ के रिकॉर्ड में 3 साल से ज़्यादा का अंतर है तो आपको 10वीं का प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा। फिर कंपनी वाले अगर मेहरबान होंगे, कंपनी वाले अच्छे होंगे तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म बना के देंगे, जिसे करेक्शन फॉर्म आप समझ सकते हैं, करेक्शन फॉर्म बना के देंगे। ये करेक्शन फॉर्म आप पीएफ ऑफिस में जमा करेंगे, फिर पीएफ ऑफिस वाले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना भी लगा सकते हैं आपका रिकॉर्ड ठीक करने में। जब ये सब मेहरबानी हो जाए कंपनी की तरफ से, पीएफ ऑफिस की तरफ से, उसके बाद ही आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर पाएंगे या फॉरगेट पासवर्ड कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों के पैसे, अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो बहुत ही बुरी तरह से फंस गए हैं, जिसमें अगर आपकी कंपनी आपकी हेल्प ना करे तो पीएफ ऑफिस आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि पीएफ ऑफिस वालों का ये मानना है कि आपके पास एक अद्भुत ताकत है कि आप जाएंगे कंपनी में और कंपनी में जाते ही आपकी कंपनी वाले आपका सारा काम धड़ल्ले से कर देंगे, और उसी ताकत से जब आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पीएफ ऑफिस में जमा करके आएंगे तो पीएफ ऑफिस वाले आपको एक हाथ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म दोगे आप और दूसरे हाथ से वो आपको करेक्शन करके दे देंगे, ऐसा पीएफ ऑफिस का मानना हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा अपडेट कर दिया और इससे होने वाले लाखों लोगों की समस्याओं को उन्होंने शायद नहीं समझा होगा। इस वजह से अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो जो मैंने रास्ता बताया है यही एकमात्र रास्ता है। दूसरा रास्ता एक और है कि अगर आपको दिखता है कि पीएफ के अंदर आपके नाम की स्पेलिंग थोड़ा सा अंतर है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार और पीएफ रिकॉर्ड के अंदर आपका नाम लिखा गया है राम कुमार शर्मा, तो आप अपना आधार कार्ड में अगर वैसा ही नाम की स्पेलिंग कर लेंगे जैसा आपका पीएफ रिकॉर्ड के अंदर है तो आपके लिए अपना आधार कार्ड ऐड करना आसान होगा। आप अपना ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप कंपनी में नहीं जाएंगे तब तक आपका नहीं होगा। अगर बाई चांस आपकी कोई कंपनी नहीं है, ठेकेदार है, तब आप भूल जाइए, कहाँ आप ठेकेदार को ढूंढेंगे, और अगर ठेकेदार मिल भी गया तो भी वो आपको कौन सा रिकॉर्ड बना के देने वाला है। मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ इसलिए आपसे प्रैक्टिकली बात करता हूँ।
अगर आपको जानकारी समझ आई हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, आप मेरी बात से सहमत हो तो भी बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल को बड़ा करें तो आप ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिकल चीज़ जो असल में होती है वो आपको बता सकूँ और आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। धन्यवाद।